बच्चों तो आज हमें स्टार्ट करना है क्लास 10 का बेसिक बेसिक थॉट। हालांकि मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ बच्चों, लेकिन मैं ये चैप्टर लिखवाया नहीं है आपको। और दूसरी बात ये है कि कई तरह टॉपिक्स शायद बीच में छूट भी गए हैं, जो इरेगुलरिटीज थी बीच में शायद उस वजह से नहीं आ पाए हैं। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ आपको ये जो चैप्टर है मैं प्रॉपरली दोबारा पढ़ाऊंगा, और इस बार मैं नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया है आपको, उस तरह मैं क्या करूंगा, मैं ये भी चैप्टर क्या करूंगा आपको पूरे नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा, और आप इसको लिखिए, समझिए और अच्छे ढंग से पढ़िए। तो बच्चों जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें क्या पढ़ना है, एसे पढ़ना सॉल्व। तो आपको पता है कि आप जो अभी तक जानते हो ये जानते हैं कि एसे का मतलब होता है जो एच प्लस देता है, बेस का मतलब होता है जो एच माइनस देता है, या फिर जो सॉल्ट का मतलब होता है जो कैटायनर आयन से मिलकर बनता है जिसके बीच में आयनिक बॉन्ड होती है। ये सारी चीजें पढ़े हैं, ये सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अगर आपको केवल थ्योरेटिकल केवल ऐसे लेक्चर देखने हैं तो आप मेरे पास पहले वीडियोज पढ़े हुए उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेगुलरली पढ़ना है विद नोट्स पढ़ना है तो आप मैं कहूँगा फिर से आप लोगों को इस वीडियो से फॉलोअप करना स्टार्ट करें। तो बच्चों इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंडिकेटर। क्या है बच्चों इंडिकेटर, सबसे पहला टॉपिक क्या है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या कहता है बच्चों, तो बच्चों जैसे कि हम पढ़ेंगे ये सारी चीजों में, तो इंडिकेटर कहता है क्या लिखेंगे इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड और बेसिक बेस के जब कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि एसिड या बेसिक कैसे अपना कलर चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे लिखेंगे इसको इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक नेचर को इंडिकेट करते हैं कैसे, अपना कलर चेंज करके। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, एसिड चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, एसिड चेंज इज रेड लिटमस टू ब्लू, और बेस चेंज इज ब्लू लिटमस टू रेड। क्या होगा, एसिड चेंज इज रेड लिटमस टू ब्लू और बेस चेंज इज ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड होता है वो रेड लिटमस टू ब्लू में चेंज करता है, और जो बेस होता है वो ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज करता है, ठीक है। ये हो गया पहला कहानी एग्जाम्पल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, तो नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ इंडिकेटर। क्या हुआ बच्चों टाइप ऑफ इंडिकेटर, आप देखिए बच्चों इंडिकेटर देखिए बच्चों बहुत टाइप होते हैं, जैसे डीएफ आर मैन देखिए बहुत सारे टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, उनमें से जो कुछ इंडिकेटर्स हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। जैसे ये देखिए देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, सम ऑफ देम आर, ठीक है। अब आइए देखते हैं, पहला जो बच्चों वो है पहला जो टाइप ऑफ इंडिकेटर वो है नेचुरल इंडिकेटर। पहला कैसा इंडिकेटर है, पहला है नेचुरल इंडिकेटर। देखिए बच्चों पहला नेचुरल इंडिकेटर, पहला कौन सा इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर।
came from natural sources are covered. क्या है बच्चे का मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए, आप ध्यान से देखिए क्या है नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज एक्सेट्रा आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स यूज्ड वाइडली टू शो द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ द सब्सटेंस। क्या हो गया, इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, indicators obtained from natural sources are called natural indicators. Litmus, turmeric, red cabbage, China rose, etc. are some common natural indicators used widely to show the acidic or basic nature of the substance. Just note that nature. चलिए उम्मीद है कि नोट कर लोगे। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिए बच्चों नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे इंडिकेटर्स जिनको हम कहाँ से पाते हैं, नेचर से। जैसे कि आपका लिटमस भी नेचर से आया हुआ है, टर्मरिक भी आपको होता है। देखिए बच्चों टर्मरिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों की जब आपके वाइट रंग के किसी कपड़े पे अगर हल्दी गिर जाता है तो जब उसको आप कपड़े से धोते हैं तो आप पाते हैं वो हल्दी जो है वो पीले से लाल हो जाता है या हल्का सा ब्राउन हो जाता है या ब्राउन ब्लैक हो जाता है, जैसे भी आपको होता है जो भी रंग होता है वो क्या होता है। रीजन होता है कि आपका सोप क्या है, आपका सोप है बेस, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपका सोप क्या है, बेस है। तो क्या होता है जब कभी भी आप हल्दी पर बेस अप्लाई करते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हल्दी के एक बार क्या है आपका नेचुरल इंडिकेटर है। इस वजह से आपकी जो सफेद कपड़े होते हैं उस पर हल्दी गिरी है तो जब उस पर अगर आप साबुन लगाते हैं तो हल्दी का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। उसे रेड कैबेज वगैरह हो गया और यूज्ड वाइडली टू शो द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस। यूज्ड वाइडली टू शो द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ द सब्सटेंस। पर इसे हम क्या करते हैं कि हम वाइडली यूज करते हैं ये जानने के लिए कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस। चलिए बच्चों अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला है आपका बच्चों लिटमस की बात करते हैं, ठीक है। अब हम नेचुरल इंडिकेटर्स को सॉल्व करेंगे, आप अगला बात करेंगे लिटमस। लिटमस क्या है,
अगला क्या है लिटमस दिखला भी कुछ ऑफ लिटमस का मतलब क्या होता है लिटमस लिटमस इज ऑब्टेन्ड obtained from lichens. The solution of litmus is purple in color. Litmus paper comes into color blue and red. An acid turns blue litmus to red. A base turns red litmus blue. देखिए, litmus जो होता है, जो litmus की तरह papers होता है, जो lichens है, तो lichens एक तरह से पेड़ होता है, पेड़ की छाल होती है, उसको बोलते हैं। तो lichens से आता है, तो lichens अब अगर आप उस lichens का अगर आप solution बनाएंगे, तो किस रंग का होता है? Purple. लेकिन जो litmus paper होता है, वो आपको दो रंगों में अवेलेबल होता है, red और blue. जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल जाएगी. अगर आप रेड लिटमस लेंगे और ब्लू कलर से एसिड में डालेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो ब्लू रंग जो एसिड है वो धीरे धीरे रेड में कन्वर्ट हो रहा है. उसी तरह से अगर आपके बेस होता है, अगर आप रेड कलर की लिटमस को अगर आप बेस में डालेंगे तो आपको रेड क्या होगा? ब्लू होगा. अगर आप ब्लू को बेस डालते हैं तो कोई कलर नहीं चेंज होगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा. और अगर आप रेड को एसिड डालते हैं तो कैसा क्या होगा? रेड रेड ही रहेगा. याद रखने का तरीका क्या है? याद रखिए बी से बेस, बी से ब्लू. ठीक है, यानी कि बेस क्या करेगा? लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा. याद रखिए जो बेस होगा वो लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगा? ब्लू में. पी भी याद कर लीजिए, बेस और ब्लू. जो बेस होगा वो किसमें कन्वर्ट करेगा? ब्लू में. जो बेस होगा किसमें कन्वर्ट करेगा? ब्लू में. यानी कि जो बेस होगा वो लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगा? ब्लू में. और जो एसिड है वो किसको कन्वर्ट करेगा? ब्लू को रेड में. तो याद कर लीजिए बेस से बी से बेस, बी से ब्लू, मतलब बेस कन्वर्ट करेगा ब्लू में, बेस कन्वर्ट करेगा ब्लू में. ये मतलब होता है किसका? लिटमस. और ये क्या है? आपका पहला नेचुरल इंडिकेटर है जो ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा या फिर बेस होगा. ठीक है, इसको आप अगला आते हैं. अगला क्या है? अगला है बच्चों टर्मरिक. जैसे कि अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि जो टर्मरिक होता है वो भी एक तरह क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है. कि जैसे अगर आपके सफेद कपड़े पर अगर आप टर्मरिक गिर जाए तो अगर आप उससे क्या करेंगे, अगर उससे आप उस पर अगर आप साबुन लगाते हैं तो आप पाएंगे कि उसका जो रंग होता है वो क्या होता है? चेंज आता है. वो क्यों चेंज होता है? कि टर्मरिक क्या है? एक इंडिकेटर. हल्दी का जो पीला रंग है वो आपको रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि टर्मरिक क्या है. टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है. और जैसे टर्मरिक को अगर आप साबुन के साथ धोते हैं या साबुन से धोते हैं तो आप ये पाएंगे कि टर्मरिक का जो पीला रंग है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेडिश ब्राउन में. ये पहली चीज. हाँ, अगर आप उस हल्दी के रंग पर अगर आप एसिड डालते हैं तो उस पर कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टर्मरिक एसिड पर कोई रिएक्ट नहीं करता. ठीक है,
टर्मरिक जब भी आपका रंग बदलेगा तो उसका आप बेस अप्लाई करेंगे। अगर आप एसिड से अगर आप टर्मरिक से एसिड अप्लाई करते हैं तो आपको उस पर कोई बदलाव नहीं दिखेगा। तो टर्मरिक में क्या हो गया, एक्जैक्ट नेचुरल इंडिकेटर हो गया। जो बेस के साथ रंग बदलता है लेकिन एसिड के साथ कोई रंग नहीं बदलता, तो यानी कि आप टर्मरिक से बेस का पता लगा सकते हैं लेकिन एसिड का पता आप नहीं लगा पाएंगे। अगला है रेड गैरिश। जो जूस होता है बच्चों रेड कैरेट अगर आप जूस बनाएंगे तो इसमें होता है पर्पल कलर में होता है। अब जो रेड कैरेट का जो जूस होता है वो एसिड अगर उसमें डालेंगे आप एसिड के साथ मिक्सअप करेंगे तो सारे क्या हो जाएगा रेड, और अगर बेस के साथ उसको आप डालेंगे तो जाएंगे इसमें ग्रीन। यानी कि जो रेड कैरेट होता है वो एसिड के साथ लाल रंग शो करता है और बेस के साथ ग्रीन रंग। यानी कि अगर रेड कैरेट जो कि ओरिजिनल किस्म का था पर्पल रंग का था अगर उसमें आप एसिड डालते हैं तो उस पर्पल रंग कन्वर्ट कैसे रहेगा रेड में, और अगर आप उसमें बेस डालते हैं तो पर्पल रंग का कैसा बन जाएगा ग्रीन में। यानी जो रेड कैबेज होता है वो कन्वर्ट करता है एसिड को रेड में और कन्वर्ट करता है बेस को ग्रीन में। तो ये क्या हो गया रेड कैबेज, जो कि आपका क्या है अगला इंडिकेटर है। देखिए बच्चों ये क्या हो गया इंडिकेटर हो गया, ये ऐसा इंडिकेटर था जिसमें आप देख के पता लगा रहे थे। जैसे कि आपने देखा लिटमस, अगर आप लिटमस पेपर को अगर एसिड में डालेंगे तो देखेंगे अगर रेड से ब्लू कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब बेस है, अगर ब्लू से रेड कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब एसिड है। अगर आपने टर्मरिक को देखा अगर टर्मरिक जो है अगर कुछ लगाने पर अगर उसका रंग रेडिश ब्राउन हो रहा है तो मतलब बेस है, और टर्मरिक चूंकि एसिड के साथ कोई बिहेवियर नहीं दिखाता इसलिए आप टर्मरिक से आप एसिड का पता नहीं लगा पाएंगे। चलिए उसी तरह से अगर हम बर्ड में रेड कैबेज को देखें, रेड कैबेज का रंग होता है पर्पल, अगर आप उसमें एसिड डालेंगे तो पर्पल रंग हो जाएगा रेड रंग का, और अगर उसमें आप बेस डालेंगे तो उसका पर्पल रंग हो जाएगा ग्रीन रंग का। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें इंडिकेटर्स ऐसे थे जिसको आप देख के बता रहे थे कि वो क्या है एसिड है कि बेस है। अब कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जो पता लगाने का जो तरीका आपसे जो देख के नहीं होता कैसे होता है स्मेल भी होता है उसको बोलते हैं बच्चों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं उसको बच्चों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, क्या बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जहां पे टर्म ऑल्फैक्टरी आए उसका मतलब समझिए वहां मतलब स्मेल से है, ये चीज याद कर लीजिए। जहां पे टर्म ऑल्फैक्टरी आता है उसका मतलब है कि वहां पे टर्म किसका है, वहां पे मतलब किससे है स्मेल से है।
क्या होता है देखिए जहां पर भी टॉप ऑल फैक्ट्री आता है आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिक कि वहां पर मतलब किसी ना किसी से स्मेल से है जहां भी टॉप ऑल फैक्ट्री आता है वहां मतलब होता है स्मेल से और ऑल फैक्ट्री में क्या जो होता है उस ये सबसे वो होते हैं कि जब अगर आप इनके साथ एसी डैमेज खिलाएंगे तो अपना स्मेल ही चेंज कर देते हैं मतलब एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब होता है कि ये अभी तक क्या था जो इंडिकेटर तो उसका रंग बदल रहे थे ये इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपना स्मेल बदलते हैं जैसे ऑल फैक्ट सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस आर नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस आर नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं कि जो जैसे जब उसको हम कुछ मिलाते हैं तो अपना स्मेल ही चेंज कर देते हैं जैसे ऑनियन वनीला एक्सेट्रा ये ऐसे इंडिकेटर्स होंगे कि जब इसमें अगर आप कुछ एसिड या बेस मिलाएंगे तो अपना रंग ही क्या करेंगे चेंज कर देंगे आइए देखते हैं क्या होता है इसमें तो पहला ऑन फैक्ट्री इंडिकेटर इस बारे में पढ़ना है वो होता है क्या ऑन पहला ऑन फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है ऑनियन है ये देखते हैं ऑनियन भी क्या होता है पहले हम बात करेंगे ऑनियन ऑनियन क्या है जो पेस्ट या ऑनियन यूज होता है अगर आप उसमें बेस ना दीजिए जैसे क्या करिए आप ऑनियन की और ऑनियन का जूस निकाल दीजिए उसको क्या करिए पहले पेट दीजिए उसे एक कपड़े में लपेट के उसे उसको पहले करिए ऑनियन दीजिए और उनको पीस दीजिए और उसको इसमें कपड़े में लपेट के उसका जूस निकाल दीजिए आप उस जूस को अगर आप स्मेल करेंगे तो उसमें आपको एक खास स्मेल आएगी क्योंकि चूंकि ऑनियन में कई तरह के जो है तत्व होते हैं इंग्रीडियंट्स होते हैं तो कई तरह के मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो मतलब जो अगर आप उसको स्मेल करेंगे उसका एक स्मेल आएगा लेकिन जैसे उस जूस में अगर आप क्या कर दीजिए बेस मिला दीजिए तो आप पाएंगे उस जूस का स्मेल ही खत्म हो जाएगा मतलब जैसे अगर आप उसमें बेस मिला दीजिए तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दीजिए अभी मैं इस बारे में डिटेल बात करेंगे अलग से तो जैसे उसमें आप जूस भी मिलाएंगे तो आप ये पाएंगे उसका स्मेल ही क्या हो गया गायब हो गया लेकिन हाँ इसमें जो ऑनियन का जो स्मेल होता है वो एसिड साथ को रिएक्ट नहीं करता मतलब एसिड साथ कोई आपको स्मेल चेंज नहीं करेगा यानी कि आप ऑनियन के जूस से आप बेस का पता तो लगा सकते हैं लेकिन आप एसिड का पता नहीं लगा सकते जैसे कि टर्मरिक के साथ था टर्मरिक में भी यही बात थी टर्मरिक में यही दिक्कत थी टर्मरिक क्या था कि बेस के साथ अपना रंग तो बदल रहा था लेकिन एसिड साथ अपना रंग नहीं बदल रहा था उसी तरह जो ऑनियन जूस होता है वो बेस के साथ अपना स्मेल तो खो देता है लेकिन एसिड साथ उसमें कोई बदलाव नहीं आता यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑनियन के जूस के साथ आप क्या कर सकते हैं बेस का पता लगा सकते हैं लेकिन एसिड का पता आप नहीं लगा पाएंगे ये वही बात कह रहा है कि पेस्ट और जूस ऑफ ऑनियन लूजेस स्मेल व्हेन एडेड विद बेस इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विद एसिड मतलब ऑनियन का जो जूस है वो बेस तक अपना स्मेल खो देता है लेकिन बेस के साथ अपना स्मेल नहीं खोता ठीक है सॉरी एसिड का अपना स्मेल नहीं खोता और बेस के साथ अपना स्मेल खो देता है चलिए अगला हम देखते हैं अगला हम बात करेंगे इसकी वनीला Thank you.
पहले हम बात करेंगे वनीला, दोनों अलग अलग चीज़ें, फिर इसकी बात करेंगे वनीला क्या होता है। वनीला सर की वही कहानी है जो कहानी हमें दिखाती है। वनीला क्या है, जो वनीला को स्मेल कर वनीला आइसक्रीम आप खाते होंगे तब से स्मेल करेंगे उसमें स्पेशल वन का स्मेल आता है। तो जैसे वनीला का स्मेल रेगुलर अगर आप वनीला में बेस डालते हैं तो उसका जो स्मेल होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे वनीला में जैसे आप बेस डालेंगे उसका जो स्मेल होगा वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वनीला में अगर आप एसिड डालते हैं तो उसके स्मेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो कहानी ओनियन की थी वही कहानी वनीला की है, मतलब वनीला का जो स्मेल है वो बेस डालने पर खत्म हो जाता है, लेकिन वनीला का जो स्मेल होगा उसका अगर आप एसिड डालते हैं उसमें कोई बदलाव आपको नहीं मिलेगा। तो वनीला का स्मेल जो होता है वो एसिड डालने पर खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें आप बेस डालते हैं तो उसका स्मेल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होता है वो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज चलो उसके पड़े थोड़ा या कोचिंग से जब हमें पता चल जा रहा है केवल उसी से ही क्या नाम है, अगर हमें ये पता चल जा रहा है कि अगर इसे टर्मरी का यूज करते हैं लिटमस का यूज करके कौन सा बेस है तो क्या जरूरत है कि हमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की जरूरत है। रीजन है कि बच्चों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की जरूरत तब पड़ती है जो बच्चे देख नहीं पाते हैं। सपोज सही कोई बच्चे ऐसे हैं जो देख नहीं पाते, मतलब जो पार्शली इम्पेयर्ड है जैसे उनको दिखाई देता, तो वो क्या कर सकते हैं, वो लिटमस पेपर को देख नहीं सकते, वो टर्मरी को देख नहीं सकते, तो उनको दिखाने उनको एसिड और बेस का फर्क समझाने के लिए लैब में हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज करते हैं। मतलब कि हम क्या करेंगे कि हम वनीला लेंगे या ओनियन जूस लेंगे और अगर स्मेल गायब होता है तो मतलब वो बेस है और अगर नहीं गायब होता है तो मतलब एसिड है। तो ऐसे बच्चे जो नहीं देख सकते, जो अंधे होते हैं आँख से, उनको दिखाने के लिए या उनको समझाने के लिए एसिड बेस के बीच का फर्क हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। तो ही लिखा हुआ है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर यूज टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इन द लैब। मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें ऐसे बच्चों को एसिड बेस समझाना होता है जो बच्चे आँख से देख नहीं सकते, और उस समय हम यूज करते हैं क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यहाँ पे बात क्लियर है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अब बच्चों हम तीसरे टाइप के इंडिकेटर की बात करते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर की। अब हम बात करते हैं, हम बात की नेचुरल इंडिकेटर्स की जो हमें नेचर से मिलती है, फिर हम बात की ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हमें फिर से नेचर से मिलती है, लेकिन नेचुरल इंडिकेटर्स दोनों नेचुरल इंडिकेटर्स से, बस ऑल्फैक्टरी में हम इसको स्पेसिमेन से पहचानते थे और बाकी में उसको देखकर। तीसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर जो इंसान ने बनाया है अपने समझ के लिटमस हो गया, लेकिन अब इंसानों ने कुछ इंडिकेटर्स खुद भी बनाए हैं, उसको बोलते हैं क्या, इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ऐसी इंडिकेटर जो लैब में तैयार किए गए हैं एसिड और बेस की पहचान करने के लिए, उसे बोलते हैं क्या हम, सिंथेटिक इंडिकेटर। और सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल क्या है, फेनोक्लीन है, मैथिलोरिन एक्सेट्रा। मतलब ये सब ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो इंसानों द्वारा लैब में तैयार किए गए हैं और इन इंडिकेटर्स एसिड बेस के बीच का फर्क समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव होता है। तो पहला हम लेंगे क्या, फेनोक्लीन। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, पहला सिंथेटिक इंडिकेटर है फेनोक्लीन। इसमें स्पेलिंग चेक कीजिएगा, फेनोक्लीन। Thank you.
कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर इस सब सोल्यूशन में अगर आप बेस डालते हैं इसका लोहान है वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। यानी कि आप क्या करिए, फिनोक्लीन लीजिए, उसमें एसिड डालिए, अगर कोई नहीं है तो कुछ बदलाव नहीं होगा, और अगर कुछ डालने पे अगर पिंक हो जा रहा है तो मतलब वो क्या है, बेस है। उसी तरह अगर हम बात करें मैथिल ऑरेंज की, तो ये क्या होता है बच्चों, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है किस रंग का होगा, ऑरेंज रंग का होगा। अब देखिए इसका ऑरेंज रंग एसिड से कैसे जाता है रेड, और बेस से कैसे जाता है ब्लू, येलो, ठीक है। तो मैथिल ऑरेंज का क्या है, इट इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर, इट टर्न्स इनटू रेड विद एसिड एंड टर्न्स इनटू येलो विद बेस। जो मैथिल ऑरेंज है बच्चों ये कैसा है, ये ओरिजिनली ऑरेंज रंग का होता है, और ये क्या होता है जो इसका रंग होता है वो एसिड के साथ रेड जाता है, और जो इसका रंग है वो बेस के साथ येलो हो जाता है। मतलब जो मैथिल ऑरेंज है वो एसिड के साथ रेड हो जाता है और बेस के साथ येलो हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम मैथिल ऑरेंज बोलते हैं। ये रही बात, चलिए ठीक है। इसके साथ तो कोई बदलाव नहीं दिखाता लेकिन बेस के साथ पिंक जाता है। मैथिल ऑरेंज ऑरेंज रंग का होता है, जो कि एसिड के साथ क्या होता है रेड जाता है, और बेस के साथ क्या हो जाता है येलो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम मैथिल ऑरेंज। तो बच्चों अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं अप्लाई इसको हम समराइज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों आपको याद ऐसे डेफिनेशन नहीं करना है, आपको याद यही रखना है कि कौन सा इंडिकेटर क्या पढ़ने पे कौन सा रंग देता है। तो आइए हम जितने भी चीजें पढ़े हैं इसको हम क्या करते हैं टेबल में फाइनलाइज करते हैं। जितनी भी चीजें पढ़े हैं उसको क्या करेंगे टेबल में फाइनलाइज। दिख रहा है देखिए ये क्या है इंडिकेटर, ये क्या है ओरिजिनल कलर, ये एसिड है, मतलब ये कौन सा इंडिकेटर है उसका ओरिजिनल कलर क्या है, एसिड आने के तो क्या होगा बेस आने के तो क्या होगा। आइए पहले बात करते हैं रेड,
डिटेल है उसका। क्या इसमें लिखा हुआ है समझने के पहले देखिए, रेड लिटमस का उज्जीवन क्या होता है, रेड उसका उज्जीवन कैसे होता है, रेड वो अगर उसको बेस में डालेंगे तो उसका कोई रंग नहीं चेंज होगा, मतलब नो चेंज, और बेस में क्या होगा ब्लू। ब्लू लिटमस का रंग क्या होता है, ब्लू होता है सब्जेक्ट का, उसको बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा रेड, और बेस में डालेंगे तो ब्लू का ब्लू रहेगा नो चेंज। टर्मरिक का उज्जीवन क्या होता है, येलो, बेस में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं, और बेस में डालेंगे तो रेड स्ट्रॉन्ग। रेड टाइप जूस का उज्जीवन क्या होता है, पर्पल, बेस में डालेंगे क्या होगा रेड, और बेस में डालेंगे क्या होगा ग्रीन। ऑनियन का ओरिजिनल कलर क्या होता है, ये अवेलेबल नहीं है, कोई इसका रिवर्स नहीं है, ऐसे डालते हैं तो क्योंकि यहाँ पे ऑलफैक्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमें कलर से कोई मतलब नहीं है। ऑनियन क्या है, ऑलफैक्ट्री है, तो हमें यहाँ पे कलर से कोई मतलब नहीं होगा, तो यहाँ कलर से कोई मतलब नहीं है। ऐसे डालते हैं कलर में कोई उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं होता है, और अगर उसमें वेस्ट डालते हैं तो उसका स्मेल डैमेज हो जाता है, स्मेल क्या होता है खत्म हो जाता है। उसी तरह वनीला का रंग से कोई मतलब नहीं है, ऑलफैक्ट्री है, उसमें पैसे डालेंगे तो नो चेंज, वही ओनियन वाला केस है, और अगर उसमें बेस डालते हैं तो उसमें क्या होगा डैमेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने ये पूरा चीज पढ़ा है, हमने क्या ये पूरा डाटा है जो अभी तक हमने पढ़ा है मतलब। ठीक है, तो ये क्या है इंडिकेटर्स, ये उसका ओरिजिनल रंग, ये एसिड और ये बेस, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, एक या दो नंबर एक क्वेश्चन अक्सर पूछ जाएगा, इसको अपने कॉपी में किसी तरह से बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई यहाँ कैसे इंडिकेटर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमने खाली 8 तरह के इंडिकेटर्स पढ़े हैं। रेड लिटमस जो ओरिजिनल रेड होता है, एसिड में कोई चेंज नहीं, बेस में ब्लू, ब्लू जो ओरिजिनल ब्लू होता है, एसिड में रेड होता है और बेस में कोई चेंज नहीं होता। टर्मरिक में रंग ऐसा होता है येलो, एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, बेस में जाएगा रेड स्ट्रॉन्ग। रेड टाइप का जूस जो ओरिजिनल क्या है, पर्पल, एसिड में क्या है रेड, और बेस में क्या है ग्रीन येलो। फिनॉक्सिलिक क्या है, ओरिजिनल कलरलेस, एसिड में वही कोई चेंज नहीं, बेस में पिंक। मेथनॉल में उसका ओरिजिनल क्या है, ऑरेंज, एसिड में क्या है रेड, बेस में क्या है येलो। ओनियन चूंकि ऑलफैक्ट्री है तो ये इसका ओरिजिनल कोई रंग नहीं होगा, यहाँ रंग से मतलब नहीं है, एसिड में इसका स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा, और बेस में इसका स्मेल डैमेज हो जाएगा। वनीला अगेन ऑलफैक्ट्री है तो इसके कलर से कोई मतलब नहीं है, इसका जो एसिड में डालेंगे तो इसके स्मेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेस डाल देंगे तो इसका स्मेल क्या होगा डैमेज हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने ये क्या किया, एक पूरा डाटा हमने तैयार किया है जो क्या किया हमने आज पढ़ा है। तो बच्चों यहाँ पे आपका इंडिकेटर्स पूरा आज टॉपिक खत्म हो जाता है, मुझे लगता है उम्मीद है कि आपको कोई अच्छे तरीके समझ में आया होगा, इसको घर पर आकर यहाँ से पढ़िए, और कल हम लोग इस चैप्टर का जो मेन पैरा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, वो है एसिड। तो कल से हम इसको एसिड में स्टार्ट करते हैं, आज फिलहाल आप इतना पढ़िए, और कम से कम इसके पहले की चीजों को छोड़ सकते हैं, लेकिन इस पूरे टेबल को आपको रट लेना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसको आपको करना है, इसको रिवाइज करना है, ये मस्ट है, ये मस्त प्लान है, इसका तो करना ही, इसलिए इसका मार्क कर लीजिए। तो बच्चों मेहरबानी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।